आज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं आज मेरी अम्मी की फरमाइश पे मैदे की बर्फ़ी बन रही है। एक बार मैंने बनाई थी, उनको बहुत पसंद आई, तो आज फिर उन्होंने फरमाइश की, तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। आइए बनाते हैं मैदे की बर्फ़ी। जी व्यूअर, ये देखें, ये एक कप मैदा है, इसको छान कर लेना है आपने। आधा कप खुश्क दूध, किसी भी ब्रांड का आप ले लें जो अच्छा हो, ठीक है। चंद बादाम कटे हुए बारीक, ऐसे मैं ये देखें काट लूँगी, ठीक है जी। और एक कप ही चीनी, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी। और चंद कतरे केवड़ा ऐसन, और ये डेढ़ कप घी है, ठीक है जी। एक कप मैदा, डेढ़ कप घी, ठीक है जी। जी व्यूअर, ये देखें, ये एक कप मैदा मैं छान कर ले रही हूँ, ठीक है जी। घी अच्छा खासा गर्म है, ये देखें। ये अब इसको मैं हल्की आंच पर इतना भूनूंगी कि इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए, ठीक है जी। जी व्यूअर, ये देखें, इतनी हल्की आंच पे आप लोगों ने इसको 15 मिनट के लिए रोस्ट करना है, इसकी खुशबू आने लग जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। जी व्यूअर, ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गया। अब मैंने चूल्हा बंद करके इसको नीचे उतार लेना है, ठीक है जी। हल्का सा ठंडा करें इसको, ठीक है। उसके साथ ही ज़रा सा ठंडा हो जाए तो इसमें चीनी और दूध मिक्स करेंगे। जी व्यूअर, अब इसमें हम ये पिसी हुई चीनी, ठीक है जी, ऐसा ऐसा करके मिक्स करेंगे। इसको हम मिक्स करते जाएंगे, मैं दो बार में डालूंगी। जी व्यूअर, ये देखें, ये मैंने मैदे को पका के उतार लिया, थोड़ा ठंडा किया, और उसके बाद मैंने चीनी शामिल की। अब मैं खुश्क दूध आधा कप या आधा कप से ज़्यादा, जितना आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, इसमें किसी चीज़ की कोई ममानियत नहीं है, ये उतनी ही मज़ेदार बनेगी, ठीक है जी। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। जी व्यूअर, इसको ये देखें, इसको खूब अच्छे तरीके से ना आपने मैश कर करके, इसको कम से कम 15-20 मिनट आपने इसको मैश करना है और मिक्स करना है। ये देखें, ये मैंने ऐसी वो ली है कांच की, इसको ग्रीस कर लिया, और ये चंद कतरे रियो क्योड़ा में डालूंगी। मुझे सब्ज़ इलायची नहीं पसंद, इसलिए वो मैं नहीं डालूंगी, और इसको अभी मैं मिक्स करके इसमें सेट करूंगी। ये देखें, इसके अंदर आप सबसे पहले ग्रीस करके बादाम, पिस्ता, कोई भी ड्राई फ्रूट आपकी पसंद का तो आप लगा सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से आप लगा लें, और उसके बाद इसको उसमें शिफ्ट करेंगे। जी व्यूअर, ये देखें, ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं ये सारा इसके ऊपर ऐसे सेट कर दूंगी, ठीक है जी। जी व्यूअर, ये देखें, ये हमारी बर्फ़ी सेट हो गई है। अभी भी काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन मैं अभी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ इसके पीस निकाल के। जी व्यूअर, ये देखें, अभी भी ये सही तरह सेट नहीं हुई, लेकिन माशाल्लाह ये देखें, ये पूरे पूरे पीस निकल रहे हैं। इंशाल्लाह जब आप घर में बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी। जी व्यूअर, ये देखें, ये एक कप मैदे से माशाल्लाह कितनी बर्फ़ी बन गई है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आया करे तो मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपकी मोहब्बत और चाहत होती है, और हमें देखकर बहुत खुशी होती है कि आप हमें इतना इज्जत देते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।